दोस्तों आज मैं बात करूंगा बजाज फिंसर की। यहां पे देख सकते हो बजाज फिंसर में 90% के अप्रॉक्स यहां पे गिरावट हो चुकी है। जी हां दोस्तों, कैसे हुआ है जो प्राइस पे अगर आपको देख सकते हो यहां पे 15,353 रुपये का यहां पे लॉस दिखा रहा है आज के दिन का। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गिरावट, 90% कोई स्टॉक कैसे गिर सकता है, ये सवाल आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का था। तो मैंने इस वीडियो पे सारा चीज़ कवर किया कि कैसे गिरा, क्यों गिरा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। देन दोस्तों उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ प्रीवियस क्लोजिंग जो था, देख सकते हो कल के दिन यहाँ पे कितना रहा, यानी कि 12 सितंबर को यहाँ पे क्लोजिंग देख सकते हो 17,138 रुपये का यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग दिखा रहा, ठीक है, 12 तारीख को। और आज के दिन यहाँ पे 13 तारीख को यहाँ पे देख सकते हो 1,755 रुपये का, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हो 10 टाइम्स का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो वो कैसे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम भी आज देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रहा है, 1 करोड़ के ऊपर रहा है वॉल्यूम। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे फंडामेंटल्स भी अगर आपको दिखा दे तो ये स्टॉक्स मतलब गिरा तो ऐसा नहीं है कि कोई पैनिक स्टॉक है, जो कि इस स्टॉक का जो है पैनिक सेलिंग में बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट है, ऐसा कुछ बात नहीं, लार्ज कैप कंपनी है। और उसके साथ ही दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा, फुल एनालिसिस करूंगा कि यहाँ पे आखिर ऐसा क्यों गिरा और इसके पीछे रीज़न क्या है। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग चलेंगे टिकट टैप ऐप पे। इस पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है सिंपली बजाज फिंसर, जिसको मैं सर्च करूंगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है हमारे सामने, हाई लो दिख रहा है दिन का। तो सबसे पहले हम इसे स्क्रॉल करते हैं और जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप लोग प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा वीडियो को, तो आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों हुआ आज के दिन करेक्शन इतना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सी ऑल इवेंट्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो नया एक इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो डिविडेंड्स का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर क्लिक कर देना है आपको। और जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नीचे सेकंड वाला ऑप्शन है कॉर्पोरेट एक्शंस, तो इस पर क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो भी इस स्टॉक से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी, जो भी होंगे, सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हो शेयर स्प्लिट हुआ है, ठीक है। तो 13 यहाँ पे तारीख देखते हो 13 सितंबर 2022 को यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट हुआ है, साथ ही बोनस भी मिला है 1:1 का। तो इसी रीज़न से ऐसा हुआ, अब आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो लोग भी सोच रहे थे ये स्टॉक का प्राइस इतना ज़्यादा करेक्शन कैसे हो चुका है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे स्टॉक का मतलब वैल्यू वही है, बस प्राइस का यहाँ पे डिफरेंस आ गया, ठीक है। जो प्राइस 17,000 रुपये जो मिल रहा था, अब वहाँ पे 1,700 रुपये मिल रहा है। तो ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि देखिए बहुत सारे जब स्टॉक का प्राइस जब अप हो जाता है तो बहुत लोग इस पे इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो कंपनी बेसिकली चाहती है कि ज़्यादा लोग इसमें इस स्टॉक में जो है इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए वो क्या करते हैं प्राइस को जो है कम कर दे ताकि ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो सके। और ऐसे अगर बात करें तो 17,000 का एक स्टॉक मिल रहा था, तो लोग बहुत लोग जो स्मॉल इन्वेस्टर होंगे वो तो नहीं कर पाएंगे ना उसमें इन्वेस्ट, तो इसीलिए कंपनी क्या करती है स्टॉक स्प्लिट करती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ